बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आप देख रहे हैं MR फूड सीक्रेट्स। दोस्तों आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी मैंगो स्मूथी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टफुल बनती है, बहुत ही हेल्दी है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक ब्लेंडिंग जग लिया है, जिसमें हमने आधा कप दूध का शामिल करना है। दूध हमारा ठंडा होना चाहिए। और इसके बाद हमने इसमें कुछ आइस क्यूब शामिल करने हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो उसके बाद हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच जो हमने आम काट के रखे हुए हैं वो ऐड कर देने हैं और इसे हमने ब्लेंड कर लेना है। दोस्तों अगर आपने आम जो हैं वो फ्रीज़ किए हुए हों तो आप जो बर्फ़ स्किप कर सकते हैं। ये हमारे पास जो आम थे वो हमने फ्रीज़ नहीं किए थे, इसलिए हमने इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद हमने जो बाकी हमने आम काट के रखे हुए हैं वो ऐड कर लेने हैं। दोस्तों तकरीबन हमारे पास 1 किलो के करीब आम थे, तो बाकी आम हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। और 150 ग्राम के करीब हमने इसमें दही का ऐड किया है और आधा कप हमने इसमें दूध का और शामिल कर लिया है। और तकरीबन 100 ग्राम के करीब हमने इसमें चीनी ऐड की है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हमने ढककर ब्लेंड कर लेना है। दोस्तों बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम खर्च रेसिपी है। आप इसे जब आम का सीज़न हो तो ज़रूर बनाकर पिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी आम की स्मूदी रेडी है और अब हम इसे सर्व करने के लिए गिलासों में निकालेंगे। और गिलासों में निकालने के बाद हमने कुछ आम के क्यूब्स बचा के रखे हुए थे वो इसके ऊपर इस तरीके से हमने गार्निश कर देने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी हमारी आम की स्मूदी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।